हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, पबजी मोबाइल ने जो है वो अपने सर्वर जो है वो इंडिया में बंद कर दिए हैं। अगर अब आप अपने फोन में पबजी मोबाइल या पबजी मोबाइल लाइट को ओपन करते हो तो आपको कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा दोस्तों, जिसके कारण आप अपने फोन में पबजी मोबाइल नहीं खेल पा रहे होंगे। बट दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप अपने फोन में पबजी मोबाइल या पबजी मोबाइल लाइट को एंजॉय कर सकते हो, उसे खेल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों इस ट्रिक से आप सर्वर बंद होने के बाद अपने फोन में PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट को एंजॉय कर सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो PUBG लवर्स हैं और अभी तक PUBG खेलना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने फोन में PUBG या PUBG मोबाइल लाइट को एंजॉय कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के सर्वर बंद होने के बाद भी। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने फोन में PUBG मोबाइल का एंजॉय कर सकते हो सर्वर बंद होने के बाद भी। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे सर्च करना है क्विक वीपीएन। क्विक वीपीएन को आपने सर्च कर लेना है। जैसे ही आप क्विक वीपीएन को सर्च करेंगे तो आपको यहाँ क्विक वीपीएन आपके सामने आ जाएगा, जिसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है, 4.1 की इसकी रेटिंग है। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आपके फोन में क्विक वीपीएन इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। दोस्तों ओपन करने के बाद सिंपली से आपने इसमें क्या करना है, आपने नीचे की तरफ जाना है और वहाँ पर सिलेक्ट करना है दोस्तों यूके लंदन। तो आपने यहाँ पर यूके लंदन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आ रहा है इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ मैसेज फ्लैश होगा, तो आपने उस पर ओके क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आप जो से कनेक्ट हो जाएंगे यूके लंदन के साथ। तो उसके बाद जो है वो आपने अपने फ़ोन में पबजी ओपन करनी है। तो मैं आपको करके बता देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन में पबजी जो है वो मैंने अपने फ़ोन में ओपन कर ली है। तो खुल जा भाई। तो आप देख सकते हैं जो PUBG है वो ओपन हो रही है। अब इस देखना ये है कि चलती है या नहीं चलती है, ओपन होती है नहीं होती है। तो यहाँ पे मैसेज फ्लैश हुआ है अपडेट का। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो PUBG है वो ओपन हो चुकी है बिना किसी दिक्कत के। नहीं तो पहले यहाँ पे सर्वर बिजी का जो मैसेज था वो आता था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया कुछ ऐसा करके यहाँ पे आता था, और अब भी मेरे को ऐसा कुछ भी यहाँ पे मैसेज फ्लैश नहीं हुआ है और मेरी जो PUBG है वो ओपन हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं जो सीजन 15 का 7 दिन बचे हुए हैं कुछ ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। तो बिना किसी दिक्कत के मेरी जो PUBG है वो ओपन हो चुकी है। आप यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैप भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों सर्वर एशिया यहाँ पे सिलेक्टेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिक मोड, आप सब कुछ यहाँ पे मतलब इंजॉय ले सकते हो गेम खेलने का। तो दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे मैप भी मैंने आपको खोल के दिखा दिए हैं, और गेम भी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और आप देख सकते हैं गेम भी मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मेरी जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है बिना किसी दिक्कत के, और काफ़ी स्मूथ चल रहा है आप यहां पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ट्रिक कि कैसे आप अपने फ़ोन में PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट को खेल सकते हो सर्वर बंद होने के बाद भी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी अपडेट के लिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपके फ़ोन में ये वर्क किया नहीं किया। अगर दोस्तों वर्क नहीं किया तो मैं आपके लिए नई ट्रिक लेके आऊँगा, तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय हिंद। वंदे मातरम।